ट्रांजिस्टर की मोड ऑफ ऑपरेशन देख रहे थे। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ मोड के बाद अपन देखेंगे सेचुरेशन मोड। ट्रांजिस्टर की मोड के बाद देखेंगे हम सेचुरेशन मोड देख लेते हैं। कट ऑफ मोड हो गया था, अब देखते हैं सेचुरेशन, ठीक है, सेचुरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेचुरेशन मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर की सेचुरेशन मोड के बारे में देखते हैं। तो ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन मोड क्या कब क्या कहलाता है? यदि ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस जो रीजन है, इमीटर बेस रीजन या फिर इमीटर बेस जो जंक्शन है उस और उसकी बेस कलेक्टर जो जंक्शंस है, अगर दोनों जंक्शंस को हम कौन से बायस में कनेक्ट कर देते हैं, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जोड़ देते हैं। यदि किसी ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस जंक्शन और ट्रांजिस्टर के बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों को हम फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोड को ट्रांजिस्टर का क्या बोलते हैं? सेचुरेशन मोड। तो जब उसकी इमीटर बेस जंक्शन या फिर इनपुट बोल सकते हैं या फिर इनपुट जंक्शन और उसकी बेस कलेक्टर जंक्शन या फिर इसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट जंक्शन, ठीक है। तो यदि किसी ट्रांजिस्टर की इमीटर बेस जंक्शन या फिर इनपुट जंक्शन एंड बेस कलेक्टर जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों जंक्शंस को अगर फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन मोड बोलते हैं। तो सेचुरेशन मोड में कोई भी आपका ट्रांजिस्टर है वो एक ऑन स्विच की तरह एक्ट करता है, ऑन स्विच की तरह, या फिर वो क्लोज स्विच की तरह, या फिर इसी को बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं, या फिर हम इसको बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट कर। तो जब भी कोई ट्रांजिस्टर का इनपुट एस वेल एस आउटपुट है वो दोनों फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होता है तो उस मोड ऑफ ऑपरेशन को ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन मोड बोलते हैं। और जब भी कोई ट्रांजिस्टर सेचुरेशन मोड में ऑपरेट करता है ऑलवेज वो एक ऑन स्विच की तरह या फिर एक क्लोज स्विच की तरह या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह वो एक्ट करता है, दैट मीन्स वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम ट्रांजिस्टर के इमीटर बेस रीजन पर हम फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसमें हम फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं कहाँ पर, उसके इमीटर बेस रीजन पर। तो जैसे ही हम उसके इमीटर बेस रीजन पर फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये जो फॉरवर्ड बायस्ड जो वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज है, जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज जो है वो ट्रांजिस्टर के बेस इमीटर वोल्टेज से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ये फॉरवर्ड बायस्ड जो वोल्टेज आप अप्लाई करोगे वो ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच डेवलप्ड थ्रीशोल्ड वोल्टेज, उसकी थ्रीशोल्ड वोल्टेज से जैसे ही वो ज़्यादा होगा, जैसे ही उसके इनपुट में, जैसे ही उसकी इमीटर बेस के बीच अप्लाइड जो वोल्टेज होगा वो ट्रांजिस्टर के बेस और इमीटर के बीच का वोल्टेज उसके थ्रीशोल्ड वोल्टेज से अगर वो ज़्यादा होगा तो थ्रीशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा अगर हम इंक्रीज करेंगे तो थ्रीशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज करने से क्या होगा, ट्रांजिस्टर का इनपुट है वो क्या होंगे, ट्रांजिस्टर है वो इसका कंडक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ट्रांजिस्टर है वो मोर कंडक्शन करेंगे। तो अगर हम इसके इनपुट पे अप्लाइड फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज की वैल्यू को ट्रांजिस्टर के थ्रीशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो थ्रीशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू होने पर ट्रांजिस्टर का कंडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ट्रांजिस्टर का कंडक्शन इंक्रीज होने के कारण ट्रांजिस्टर के में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ट्रांजिस्टर में फ्लोइंग करंट की वैल्यू क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब देखो चूंकि यहाँ पर सर्किट में ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट दोनों फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, दोनों फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होने के कारण
इनपुट से आउटपुट की ओर एक लार्ज वैल्यू के करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। इनपुट से आउटपुट की ओर लार्ज वैल्यू के करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इनपुट से आउटपुट की ओर लार्ज वैल्यू के करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इन दो इनपुट और आउटपुट दोनों जंक्शंस के फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण ट्रांजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू है वो लार्ज होती है, और जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उस ट्रांजिस्टर में लार्ज वैल्यू का इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में ट्रांजिस्टर ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। तो ये था सेचुरेशन मोड। जब भी सेचुरेशन मोड में आप ट्रांजिस्टर को यूज़ करोगे वो हमेशा क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा, ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। थैंक यू।